ईद के मौके पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी ईद के मौके पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की कुटाई तेज कर दी है। हमास के चक्कर में फिलिस्तीन के आम लोग तो ईद के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन को पूरी दुनिया में सिर्फ पीएम मोदी की ही याद आई है। लेकिन अगर पीएम मोदी ने फिलिस्तीन की चिट्ठी का जवाब दे दिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वीडियो में आपको इस हैरान कर देने वाले मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल पिछले 8 महीनों से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इसराइल के बीच जंग चल रही है। हजारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हमास एक हमला करता है तो इसराइल 100 गुना बड़ा पलटवार कर देता है। संयुक्त राष्ट्र में लगातार हमास और इसराइल के बीच बातचीत की कोशिशें करवाई जा रही हैं, लेकिन कुछ नतीजा सामने नहीं आ रहा। अभी भी हमास के पास इसराइल के 120 से ज्यादा लोग बंधक हैं और इसराइल ने तो पूरे गाजा को रौंद दिया है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश भी अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन ने पीएम मोदी से कहा है कि वो इसराइल से बात करे और सीज फायर करवा दे। यानी फिलिस्तीन चाहता है कि पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करे और इजरायली सेना को पीछे हटने के लिए बोल दें। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसराइल कम से कम फिलिस्तीन के लोगों को ईद मनाने का मौका तो दे दे। फिलिस्तीन जानता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी की बात नहीं टालेंगे, क्योंकि रमजान के महीने में भी पीएम मोदी के कहने पर इसराइल ने फायरिंग रोक दी थी। पीएम मोदी ने उस दौरान एनएसए अजीत डोभाल को इसराइल इसी काम के लिए भेजा था। ऐसे में फिलिस्तीन जान चुका है कि इसराइल तुरंत भारत की बात मान लेता है। इसीलिए ईद के मौके पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को मनाए और इसराइली सेनाओं को पीछे हटने के लिए बोले। लेकिन अगर पीएम मोदी ने ऐसा किया तो भारत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि भारत के कहने पर अगर इसराइल ने अपनी सेना को पीछे खींचा और इसके बावजूद हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया तो भारत क्या करेगा? अगर उस हमले में इसराइल के आम लोगों की मौत हो गई तो भारत बहुत बुरा फंस जाएगा। फिलिस्तीन भले ही मदद मांग रहा हो, लेकिन इतनी जल्दी उस पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। रमजान के महीने में जब भारत ने इसराइल को सीज फायर करने के लिए मनवा लिया था, उसके बावजूद हमास ने लगातार हमले जारी रखे, तो इस बार क्या गारंटी है कि हमास इसराइल पर हमला नहीं करेगा? ऐसे में भारत को फिलहाल फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए। भारत को फिलहाल अपने आप को इस पूरे मामले से दूर रखना चाहिए। इस जटिल मुद्दे में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। भारत को ना तो किसी को गारंटी देनी चाहिए और ना ही किसी की गारंटी लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भारत न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखे और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का फैसला हो उसी के साथ रहे।